नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के कारण कई महीनों के बाद यह राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया। जिला विधेयक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा की ओर से एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। शनिवार को दरभंगा कोर्ट प्रांगण में इस अवसर पर कई न्यायिक पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के लिए कई बेंच बनाए गए थे। बेनीपुर एवं बिरौल में भी सुनवाई के लिए कई बेंच बनाए गए। दरभंगा व्यवहार न्यायालय के एडीआर सह मेडिसन वैकल्पिक विवाद समाधान या मध्यस्थता केंद्र में व्यवहार न्यायालय दरभंगा में चल रहे मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से की गई। दरभंगा के विभिन्न न्यायालयों में चल रहे आपराधिक एवं दीवानी मामलों की भी सुनवाई के लिए अलग अलग बेंच न्यायालय में गठित किए गए। उद्घाटन समारोह के अवसर पर आए हुए कई अतिथियों ने हमसे बात किया, ये सुनते हैं। जैसे नेचर ऑफ केसेस के हिसाब से बेंच का गठन किया गया है। क्रिमिनल केसेस के लिए अलग बेंच बना है, क्लेम केसेस के लिए अलग बेंच बना है, वैसे ही साइकिल अपील वगैरह के लिए अलग बेंच बना है। हम लोग सबको देखेंगे उसको, और जिन बेंच के सदस्य वहाँ अपने असिस्टेंट के सहायता से उसका निष्पादन करेंगे। कितने लाभ मिल पा रहे हैं लोगों को इस माध्यम से? इस माध्यम से कितने लाभ मिल पा रहे हैं लोगों को? अब तो इस पहला बार प्रयोग है इसका, उसमें देखें कितना मैक्सिमम हो पाता है। हम लोग प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम डिस्पोजल हो, और समय खत्म हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे कितना सफल हुआ, ठीक ना। कोर्ट से नेशनल लोक अदालत का शुरुआत की जा रही है। ये पहली बार कोरोना महामारी के कारण किया जा रहा है। शायद ये कोरोना महामारी हमें एक नया अवसर प्रदान कर रही है, जिससे हम वर्चुअल कोर्ट से भी अपने केस का सेटलमेंट कर सकते हैं। इस वर्चुअल मोड में ये एक खासियत है कि दोनों पार्टियां अपने कहीं भी, चाहे दरभंगा में है चाहे कहीं बाहर है, वहां से भी वो अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू और टेलीफोन के थ्रू अपने केस को सेटल कर सकती है। तो हम आज इस वर्चुअल कोर्ट का पहली बार प्रयोग किया जा रहा है, शायद सभी को आशा है कि ये सफल हो। कितने टेबल इसके लिए बनाए गए? 7 टेबल इसके लिए बनाए। किस तरह से निष्पादन किया जाएगा? केसों का निष्पादन वर्चुअल मोड से ही किया जाएगा। सभी न्यायिक पदाधिकारी अपने अपने बेंच में बैठेंगे और वो वर्चुअल कोर्ट से ही अपने दोनों पार्टियों को उस पर संभव सेटलमेंट करवाएंगे। कितने बजे से कितने बजे तक का टाइम जाएगा? सुबह 10:30 बजे से शुरुआत का है और 11 बजे से हम लोगों का कार्य शुरू हो जाएगा, और जब तक शाम को 4 बजे 4:30 बजे तक ये उद्घाटन किया गया। कौन कौन लोग इसमें आए हैं? इसमें प्रेसिडेंट दरभंगा बार एसोसिएशन, सभी न्यायिक पदाधिकारी दरभंगा, और वकील महोदय, और काफ़ी सदस्यगण। बेंच भी पैनलम जो है पहली बार वर्चुअल मोड में पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि पार्टी चाहे जहाँ रहे, दोनों पक्षकार चाहे जहाँ रहे, अलग अलग डिफरेंट प्लेस पे भी रहते हैं, तो उससे केस के निष्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनको जो है एक लिंक गई है, या वहाँ पे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन उनको जो है ऑलरेडी हम लोग प्री काउंसलिंग कर रहे हैं, दिनांक 1 दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक उनको लिंक गई है। वो उस लिंक पर एक OTP शेयर करेंगे हम लोग, OTP को वो जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये माना जाएगा कि उनका कॉन्सेंट आ गया है और हम लोग उस बात का निष्पादन करेंगे। इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले से भी और आसान कर दिया गया है। जो पहले पार्टी से आती थी उनका जो है आने जाने का खर्चा और ये सारी चीज़ें बचेंगी, और ये बेसिकली किया गया है कोरोना महामारी को लेकर के भी, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बात का निष्पादन तो हम करें, लेकिन जो भीड़ होनी है वो भीड़ ना होने पाए, मेन उद्देश्य इसका यही है। देखिए, लोक अदालत में तो होता है पब्लिक अदालत, ऐसी अदालत है जो खुले परिसर में किया जाता है, और यहाँ छोटे छोटे जो मामले हैं लोगों के, उसकी सुनवाई त्वरित गति से होती है, तुरंत निष्पादन होती है। इस कोरोना काल में जो साल भर में हम लोगों ने 4-5 लोक अदालत लगते थे, कोरोना काल के वजह से हम लोग नहीं लगा पाए। ये पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने सोचा कि ये दूसरा विकल्प क्या होगा कि हम लोग इस पेंडेमिक से, इस इन्फेक्शन से बच के और हम लोग अपना डिस्पोजल भी दिखाए, तो ये बिल्कुल नया प्रयोग था और होने जा रहा है, और हम लोग आशा करते हैं कि अधिक से अधिक केसों का हम लोग निष्पादन करेंगे। दरभंगा के अलावा और ये जो लोक अदालत है और कहाँ कहाँ लगाए गए हैं?
दरभंगा में होगा ये परिसर में और बेनीपुर में होगा, दो स्थल है लोक अदालत निष्पादन के लिए, और बिरौल में। सबसे बड़ी खासियत इस लोक अदालत की ये है कि पार्टी कहीं पर भी रहे, वो अगर अमेरिका में भी है तो वर्चुअली वो यहाँ पर शरीक हो सकता है और अपने केसों का निष्पादन कर सकता है। इसमें किसी तरह का कोई फीस भी लगता है क्या? नहीं, इसमें किसी तरह का कोई फीस नहीं है, बिल्कुल मुफ्त है। केवल इसमें ये करना रहता है कि उपस्थित होकर वो बताना, कंसर्न देना पड़ता है कि हाँ हम इस केस का समझौता करने के लिए हम लोग तैयार हैं।